डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं FirstBite.in। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। 8 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। रेस्क्यू ऑपरेशन में आई बाधा, खराब हुई ड्रिलिंग मशीन, 72 घंटे से फंसे 40 मजदूर। गाजा में अब तक संयुक्त राष्ट्र के 102 कर्मचारियों की मौत। सेमीफाइनल मैच में पहले मुंबई पुलिस को मिली धमकी, बड़ी घटना को अंजाम देने का दावा। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाएं, केजरीवाल ने LG को भेजी रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से जानकारी दी कि पीएम किसान के तहत 2,000 रुपए का अगला लाभ 15 नवंबर को किसानों के बैंक खाते में डेबिट किया जाएगा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में लगातार 72 घंटे से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इन्हें सही सलामत निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसमें कई बाधाएं भी आ रही हैं। अगर ड्रिलिंग मशीन से एस्केप टनल तैयार करने का काम शुरू हुआ, मशीन के जरिए मलबे के बीच करीब 3 मीटर पाइप भी डाला गया, अचानक मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। पिछले 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी के कम से कम 102 कर्मचारी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। एजेंसी के मुताबिक वैश्विक संस्था के इतिहास में इतने कम समय में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा। हालांकि मुंबई पुलिस को एक अज्ञात शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच के दौरान कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने मुंबई पुलिस को ट्विटर पर टैग किया, जिसमें एक फोटो में गन हैंड ग्रेनेड और गोलियां वाला फोटो भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर अतीशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की। केजरीवाल ने आतिशी को ये रिपोर्ट CBI और ED को भेजने के आदेश दिए हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite।